श्रीनिका ने पूरी सफाई कर दी है। श्रीनी आपने सब लगा दिया, सफाई कर दिया आपने सब? थोड़ा जमीन पे मारो, जमीन पे भी गिरा हुआ बेटा हो, थोड़ा जमीन पे मार दो। हाँ ये रख दो। और डेकोरेशन हमने पूरा कर लिया है। चॉप चॉप कर दिया श्रीनी ने। मम्मा की इतनी हेल्प करती है शीनी। हाँ so, ये सारा डेकोरेशन हमने मिलकर किया है। और वैसे ये डंडे वंडे सब हमने बनाए हैं। वैसे हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है, तो क्योंकि ठाकुर जी अगर आपके घर में होते हैं तो आपको सुबह शाम उनकी पूजा करनी पड़ती है, भोग लगाना पड़ता है। तो हमारे घर में ठाकुर जी नहीं है, पर हमने एक छोटी सी मूर्ति रखी है ठाकुर जी की, क्योंकि बच्चे हो गए घर में तो सेलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे भी सीखें। और सारे अपने त्यौहार जो भी इंडिया में मनाए जाते हैं, कृष्ण भगवान एक आइडल किड माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नटखट थे, बहुत ही अच्छे थे। तो आपने देखा होगा, अगर आप जैसे हमारे घर में तो दादी और नानी जो भी बच्चे छोटे होते हैं उन सबका नाम कान्हा, कानू, कृष्णा ऐसे ही करके बुलाया करते हैं घर पे। सो ऑलमोस्ट सभी घरों में आई गेस 80% घर वाले तो कान्हा या कृष्णा पे ही अपने बच्चों के नाम रखते हैं या उन्हें प्यार से बुलाते हैं। सो शायद वो कृष्ण भगवान सबके आइडल रहे होंगे और सभी चाहते होंगे कि हमारा बच्चा भी कृष्ण भगवान जैसा हो। एंड बीइंग अ मदर, चाहे आपके लड़का हो या लड़की, आप जरूर चाहते हैं कि एक बार तो हमारा बच्चा भी कान्हा बने। तो मैं भी श्रीनिका को कान्हा ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी वो छोटी है और वो बड़ी क्यूट लगेगी कान्हा बन के। तो मैं अभी उसे कान्हा ही बनाऊंगी, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब मैं उसे राधा बनाऊंगी। तो डेकोरेशन हमने कर लिए, अब मैं और श्रीनिका तैयार हो रहे हैं और थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे हम लोग, ताकि एक यादगार रहे हमेशा। श्रीनिका जब भी बड़ी हो तो उसे उसका यादगार रहे कि वो छोटी थी तो वो कैसे खाना बनी थी और कैसे वो एक्टिविटीज करती थी। अगर आप भी देखना चाहते हैं ये रील्स, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं श्रीनिका राणा, या फिर आप जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे मेरे पेज पर, जो कि है juhi.naruka के नाम से इंस्टाग्राम पर। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे चैनल या हमारे वीडियोस डिफरेंट लगते हैं, यूनिक लगते हैं या फिर कुछ अलग हटके लगते हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कौन बनेगा छोटा सा कान्हा? कौन बनेगा छोटा बेबी कान्हा? कौन बनेगा? कौन खाएगा माखन? कौन खाएगा माखन? शीनी खाएगी? चलो तो हम चाहते हैं शीनी को रेडी कर देते हैं। चलो। सो आजकल वेदर में काफी ह्यूमिडिटी है, आप कह सकते हैं कि रेनफॉल रेनी सीजन है, और रेनी सीजन में आपकी स्किन काफी डल हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है आपकी स्किन पे, क्योंकि वेदर बार बार चेंज होता है और काफ़ी सारे कई लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्किन से ऑयल निकलता है अगर हम कोई भी स्किन क्रीम को यूज करते हैं। तो मामा अर्थ लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि है टी ट्री ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर और एक विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। सो ये आपकी स्किन को, आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और आपकी स्किन को बना के रखता है हाइड्रेटेड। सो अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो विटामिन सी उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कुछ लोगों की स्किन होती है ऑयली, तो उनके लिए बना हुआ है टी ट्री, जो कि एक्ने और पिंपल्स में लगाने से काफ़ी इफेक्टिव रहता है। सो मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। अगेन इसकी फ्रेग्रेंस काफी सूदिंग सी है और काफी लाइट वेटेड फील होता है जब आप पामा के प्रोडक्ट्स लगाते हैं।
इसमें है विटामिन सी एंड टर्मरिक जो हेल्प करता है रिड्यूस पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस एंड ब्रिंग बैक योर स्किन्स नेचुरल ग्लो. विटामिन सी मिनिमाइजेस फाइन लाइंस एंड हील्स द स्किन. वहीं टर्मरिक कंटेन्स एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड दैट प्रोवाइड लस्टर एंड ग्लो टू द स्किन. और ये देता है 24 आवर्स हाइड्रेशन. इट रिड्यूसेस सन डैमेजेस एंड ब्राइटन्स योर स्किन. मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी लाइट वेटेड और वो सूट करते हैं ऑल स्किन टाइप्स को. और वहीं मामाअर्थ एक सिलिकॉन फ्री और पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स बनाता है. अगर आप भी ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट पर. और अगर आप इन्हें बाय करते हैं मामाअर्थ की ऐप या वेबसाइट से तो आप पा सकते हैं 20% डिस्काउंट अगर आप डालेंगे मेरा कोड KOL2022. मामाअर्थ एक प्लास्टिक फ्रेंडली कंपनी है जो कि जितना प्लास्टिक यूज़ करती है उसे कहीं ज़्यादा रिसाइकल करती है. और मामाअर्थ प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. पापा के फोन में देखो कितना सुंदर पिकॉक आया है. ये सीनू बन गया कान्हा जी. जल्दी से कान्हा जी, अब इसमें से मटकी में से कौन खाएगा मक्खन? चीनी खा लेगी? खा लो. कैसा है? यमी. तो चीनी भी थोड़ी थोड़ी एक्टिंग सीख गई है. मैं और श्रीनिका तैयार हो गए हैं. मैं हूँ इसकी यशोदा मैया और ये है मेरा छोटा सा कान्हा. मम्मी ने भोग की सारी तैयारी कर ली है और डेकोरेशन हमारा पूरा हो गया है. सो अब हम रात के 12 बजे का वेट करेंगे और तभी हमारी पूजा होगी. शाम को मिलकर हम थोड़े से भजन करते हैं. अगर श्रीनिका सोई नहीं तो हम भजन करेंगे और सो गई तब तो रात को ही 12 बजे आरती होगी. भगवान को भोग लगाने के लिए हमारे यहाँ पे बनाई जाती है पंजीरी जो कि मस्त है. कृष्ण भगवान के जन्म पे बनाई जाती है पंजीरी जो धनिये से बनाई जाती है. और चंद्रामृत तो भगवान के उसमें बनाया ही जाता है. और एक जो स्पेशल मिठाई होती है वो होती है नारियल की मिठाई. बेसिकली हम जो राखी पे नारियल भाइयों को देते हैं उन्हीं नारियल से हम नारियल की मिठाई बनाते हैं. श्रीनिका ने बहुत सारी रील्स भी बनवाई है और वो बहुत खुश है. बच्चे बहुत खुश होते हैं जब हम मिलकर सारे फंक्शंस और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. तो यही होता है जो बच्चों को दिखाना चाहिए हमें अपने कि सभी फेस्टिवल्स का मतलब यही होता है कि हम सब एक साथ मिलकर और सेलिब्रेशन करें कोई भी चीज़ का. उठा लोगी आप इतनी भारी? उठा लो. तो श्रीनिका तैयारी कर रही है राधा बनने की. मटकी उठाने की पूरी प्रैक्टिस कर रही है श्रीनिका. बेटी बेटा अभी आप कान्हा बने हो, आपको मटकी नहीं उठानी है, अभी आपको मटकी में से मक्खन खाना है. जब आप राधा बनोगी ना तब आप मटकी उठाना. पापा को दिखाओ, इसमें से मक्खन खाओगे. सो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या है, बट जब हम बोलते हैं कि इसमें से मक्खन खाना है तो वो बहुत ही खुश होते हैं कि हमें कुछ खाने को दिया जा रहा है इसमें से. गोगा नवमी पर मैंने
मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया है, तो गोगा नवमी होती है जब हम गोगा जी की पूजा करते हैं और उनको राखियां, स्पेशली जो राखी राखी पे बांधी जाती है वह राखियां उतार कर हम गोगा जी को चढ़ाते हैं। अगर आप मेरा यह गोगा नवमी का वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि शायद बहुत कम लोग बनाते हैं गोगा नवमी पे वीडियो, मैंने बनाया है, तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं गोगा नवमी का यह वीडियो। तो छोटे कान्हा जी की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भी बच्चे सब कान्हा जैसे नटखट हों और कान्हा जैसे क्यूट हों। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी जन्माष्टमी कर दो सबको। हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय कर दो। शीनू इधर देख के बाय करो बेटा, पापा को देख के बाय करो। शीनू इधर बाय बाय, पारी कर दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कहाँ गनी।